हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने बात किया था कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस। ओके, आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज अ कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमर्जेंस, अब ग्रेजिंग इमर्जेंस का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं हम लोग। ओके, पहले एक काम करता हूँ, एक प्रिज्म बना लेता हूँ। ओके, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म है, अब यहां पर ये रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, यहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ, हम लोगों ने वहां पे नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे उसका रिफ्रैक्शन हुआ, ओके, यहाँ पे भी हम लोगों ने नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब ग्रेजिंग इमर्जेंस कैसे, किसे कहेंगे हम लोग? ग्रेजिंग इमर्जेंस उसे कहेंगे जब रे ऑफ लाइट जो इमर्ज होगा वो इस तरीके से इमर्ज होगा, इस तरीके से। ओके, तो दिस इज नथिंग बट द कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस। ओके, यानी इसका मतलब यह है कि ये जो एंगल E है ये 90 डिग्री है, लेकिन हमको कंडीशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ I। ये R1 रहेगा, ये R2 रहेगा, ठीक है, क्लियर विद दिस? अब हम लोग ये देख सकते हैं यहां पे कि R2 का वैल्यू जब IC के इक्वल रहेगा, R2 का वैल्यू जब IC के इक्वल रहेगा तब E का वैल्यू 90 डिग्री रहेगा, और तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या होगा? ग्रेजिंग इमर्जेंस। ओके, जब R2 का वैल्यू IC के इक्वल होगा तब जाके E 90 डिग्री होगा और तब जाके ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा। ओके, लेकिन हमको पता है R1 प्लस R2 ये A के इक्वल होता है, तो देयरफॉर आर टू इज इक्वल, सॉरी आर वन इज इक्वल टू ए माइनस आर टू, और आर टू का वैल्यू कितना है, आई सी, तो देयरफॉर आर वन इज इक्वल टू ए माइनस आई सी, ठीक है। तो हम लोगों ने आर वन का वैल्यू निकाल लिया। ओके, क्लियर विद दिस? नाउ अगर यहां पे मैंने स्नेल्स लॉ लगाया तो क्या मिलेगा मुझे, साइन आई अपॉन साइन आर वन दैट इज इक्वल टू म्यू, ये इधर आ गया, तो साइन आई की वैल्यू कितनी बनी फिर यहां से, म्यू टाइम्स साइन आर वन यानी ए माइनस आई सी, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन करो यहां पे, साइन ए, सॉरी फॉर्मूला लगाओ, एक्सपांशन फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाया, तो देयरफॉर साइन आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ब्रैकेट में साइन ए कॉस आई सी माइनस कॉस ए इंटू साइन आई सी, ठीक है। देयरफॉर साइन आई इज इक्वल म्यू टाइम्स साइन ए। अब देखो यहां हमको पता है साइन आई सी इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू एंड cos IC is equal to 1 of, square root of 1 minus sin square IC. So therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos IC is equal to, ये ब्रैकेट से कॉस है, 1 square root of 1 minus 1 upon mu square, 1 minus 1 upon mu square, cos IC की जगह लिख सकते हैं हम लोग, है ना? तो cos IC की जगह 1 upon square root में बोला, square root of 1 minus 1 upon mu square minus cos A into sin IC 1 upon mu, sin IC 1 by mu, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, sin I is equal to mu times sin A square root of mu square minus 1 upon mu minus cos A upon mu, ऐसा लिख सकते हैं, म्यू से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर साइन आई इज इक्वल टू, म्यू से अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा, साइन ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन माइनस कॉस ए, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, पहले ये लिख लेता टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। So this is the condition for grazing emergence. This is the condition for grazing emergence.
ओके। और एक बात और ध्यान में रखना है यहां पे, जब ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा ओके तब ये जो रहेगा एंगल ऑफ डेविएशन ये मैक्सिमम रहेगा। ये कैसे मैक्सिमम रहेगा ये मैं अगले लेक्चर में, दैट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, इसमें प्रूव करूंगा। तो तुमने याद रखना फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस डेल्टा इज मैक्सिमम। सो वी हैव मैक्सिमम डेविएशन एंगल ओके, डेल्टा इज मैक्सिमम ओके, डेल्टा इज मैक्सिमम या फिर डेल्टा मैक्स लिखेंगे। तो उस केस में डेल्टा मैक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस 90 डिग्री माइनस ए, दैट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा मैक्स, वेर आई इज गिवन बाय साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। कंडीशन याद रखना है, ये कंडीशन याद रखना है बस ओके। डेरिवेशन याद रहे ना रहे, लेकिन जो जेई नीट एग्जाम्स हैं इनके लिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन करके रख लो और अच्छे से समझ लो, अगर समझ लिए तो हमेशा याद रहेगी ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन की ओके। बाय बाय।